मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं मेरे दोस्तों से थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के इन सपोर्ट की मदद से मेरा 1K फैमिली पूरा हो गया है। इसलिए थैंक यू दोस्तों। आई होप आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हम हमारी प्रिंसेस एमिला को देखते हैं। ये दोनों ही असल में किडनैप्ड हो चुके थे। हमारी प्रिंसेस टैली को बचाने तो गई थी, लेकिन वो बचा नहीं पाई, बल्कि उसे भी टैली के साथ किडनैप कर लिया गया। यहाँ पर वो लोग एक रूम में बंधे हुए थे, बहुत ही बुरी तरीके से बंधे हुए थे। और यहाँ पर तो हमारी टैली बेचारी रो रही थी, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा। रुको टैली, रुको, हमारे चार्मिंग प्रिंस आ रहे हैं तुम लोगों को बचाने के लिए, थोड़ा सा सबर कर लो। टैली को ऐसे रोते हुए देख के हमारी प्रिंसेस कहती है कि टैली तुम चिंता मत करो, हम लोग किसी भी तरह से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यहाँ से निकलने का कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें जरूर मिलेगा। रुको तुम, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। ये कह के हमारी प्रिंसेस अपने मन में यहाँ से निकलने का रास्ता सोचने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए वो अपना जोर लगाती है और वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी तो नहीं टूटता। उसी वक्त पास के दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है और आके वहाँ पर रखे हुए एक बड़े से कढ़ाई में बहुत सारा पानी डालने लगता है। पानी डालने के बाद वो एक लकड़ी को भी उस कढ़ाई के नीचे आग में दे देता है, ताकि वो कढ़ाई का पानी जल्दी से गर्म हो जाए। ये सब करने के बाद वो आदमी हमारी टैली और प्रिंसेस को कहता है कि तुम लोग शांत होके बैठ जाओ लेडीज, हमारे मास्टर बहुत ही जल्दी यहाँ पर चले आएंगे, फिर हम लोग अपना खाना खाएंगे। और ये कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। उस आदमी के वहाँ से चले जाने के बाद हमारी टैली प्रिंसेस से पूछती है कि प्रिंसेस वो लोग इतना सारा पानी क्यों गर्म कर रहे हैं। इससे हमारी प्रिंसेस कहती है कि ज़रूर उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगा होगा इसलिए। तो हमारी टैली कहती है कि लेकिन वो लोग उबला हुआ पानी तो नहीं पी सकते ना। उसी वक्त वो लोग बाहर कुछ लोगों की आवाज़ सुनते हैं। बाहर वो लोग कह रहे थे कि हमें इन लोगों को पहले उबलता हुआ पानी में डाल के साफ कर लेना पड़ेगा। फिर उनमें से एक कहता है कि नहीं नहीं, हमें पहले उन लोगों को अनबॉइल्ड वाटर में डाल लेना चाहिए। फिर एक आदमी कहता है कि नहीं, हमें उन्हें बॉइल्ड वाटर में डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें अनबॉइल्ड वाटर में डालेंगे तो उनके हेयर निकलेंगे नहीं। ये सब सुन सुन के तो हमारी टैली और प्रिंसेस दोनों का ही हालात खराब होता जा रहा था। फिर हमारी टैली प्रिंसेस से कहती है कि प्रिंसेस क्या ये लोग हमें खाने वाले हैं, और वो भी गर्म और ठंडे पानी में डुबो डुबो कर। हम लोग क्या करेंगे प्रिंसेस, मैं मरना नहीं चाहती। ये सब हमारी बेचारी टैली रो रो के प्रिंसेस से कह रही थी। और यहाँ पर हमारे प्रिंसेस एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाए, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें आखिरकार हमारे प्रिंस का एंट्री दिखाया जाता है। ओ थैंक गॉड प्रिंस, आप आ ही गए। यहाँ पर आके हमारे प्रिंस पहले सभी लोगों को देख लेता है अच्छे से, और ये लोग भी प्रिंस को अच्छे से देखता है। फिर वो लोग बहुत ही गुस्से में आके हमला बोल देता है हमारे प्रिंस पर, और ये देख के हमारा प्रिंस बड़े ही स्टाइल से अपना तलवार निकालता है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को इस फाइट का सीन नहीं दिखाया गया है, बट फिर भी मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि हमारे प्रिंस वहाँ पर कमाल धमाल जरूर किया होगा। यहाँ पर तो हमारे प्रिंस फाइट कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी प्रिंसेस यहाँ से निकलने की अभी भी कोशिश कर रही थी। उसी वक्त एक आदमी दरवाजे से उड़ता हुआ आता है और आके उसी बड़े कढ़ाई में गिरता है। ये सब देख के तो हमारी प्रिंसेस काफी चौंक जाती है। फिर वो दरवाजे से बाहर देखती है और वहाँ पर उसे सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है, और उन सभी लोगों के बीच में खड़ा हुआ था हमारा प्रिंस, और वो भी नकाब पहन के। ओ भाई, कितना क्यूट सीन है। नकाब पहना हुआ प्रिंस को देख के तो हमारी प्रिंसेस पूरी तरह से स्टंट रह जाती है और कुछ टाइम तक उसे ही देखती रहती है। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारे प्रिंस, प्रिंसेस एंड टैली तीनों ही जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। उसी वक्त हमारे प्रिंसेस प्रिंस के हाथ में एक चोट नोटिस करती है। इस चोट को देख के हमारी प्रिंसेस प्रिंस को पुकारती है और कहती है कि तुम्हारे हाथों को चोट लगा है। फिर वो अपने पॉकेट से एक हीलिंग क्रीम निकालती है
और हमारे प्रिंस के हाथों को पकड़ते हुए उस पर लगाने लगती है। क्रीम लगाने के वक्त हमारी प्रिंसेस बहुत ही प्यारी लग रही थी, इस वजह से हमारे प्रिंस उससे अपनी आंखों को हटा नहीं पाता। मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा ही कुछ होने वाला है। तुम दोनों को ही आज नहीं तो कल एक दूसरे को पसंद तो करना ही है। क्योंकि हमारे प्रिंस अपने नकाब में था इसलिए ये लोग प्रिंस का चेहरा नहीं देख पाते, और क्योंकि हमारी प्रिंसेस भी अपने नकाब में थी इसलिए हमारे प्रिंस भी प्रिंसेस का चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन क्योंकि हमारी प्रिंसेस एक मेड कॉस्ट्यूम में थी तो हमारे प्रिंस को लगता है कि वो एक मेड है और टैली ही असल में प्रिंसेस है। फिर वो टैली की तरह थोड़ा सा मुड़ती है और टैली अपना नज़र हटा लेती है। फिर हमारा प्रिंस प्रिंसेस से कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता, क्योंकि चेंगियन एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है। ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती है कि इस वर्ल्ड में कोई भी सेफ प्लेस नहीं है, सब जगह पर मुश्किलें होता है। ये सुन के हमारे प्रिंस तो चौंक जाते हैं। फिर हमारे प्रिंस प्रिंसेस से कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था कि वो लोग सुनता है कि पीछे से आवाज़ आ रहा है प्रिंसेस प्रिंसेस कह के। बहुत सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। ये आवाज़ सुन के हमारे प्रिंस तो समझ जाते हैं कि वो अगर यहाँ पर और देर रुकेगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो वहाँ से घोड़ा लेके निकल जाता है और उसे ऐसे जाते हुए हमारी प्रिंसेस देखती रह जाती है। मैंने कहा था ना प्रिंसेस, प्रिंस काफ़ी गुड लुकिंग है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें चेंगेन राज्य को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रिंसेस को लेके महल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ये लोग चेंगेन के रास्ते के बारे में बातें कर रहे थे। तभी ये आदमी पीछे आता है और राजकुमारी की कैरिज के सामने आके कहता है कि तुम लोग अपने अपने कपड़े चेंज कर लो। ये बात वो दो तीन बार कहता है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अंदर झाँक के थोड़ा सा देखता है और वो अंदर झाँक के देखता है कि वहाँ पर टैली है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो टैली से कहता है कि टैली तुम यहाँ पर हो तो प्रिंसेस कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी प्रिंसेस कहाँ पर है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक मार्केट प्लेस पे हमारी प्रिंसेस यहाँ वहाँ भटक रही है और खाने की खुशबू से दौड़ रही है। क्या बात है प्रिंसेस, तुम वहाँ हमारी बेचारी टैली को फंसा के यहाँ पर मार्केट पे खाना खा रही हो प्रिंसेस, ये तो सही बात नहीं है। वो यहाँ पर एक खाने की खुशबू को सूंघ ही रही थी कि तभी वहाँ पर पीछे से आके उसे कोई पुकारता है और वो पीछे मुड़ के इसे देखती है और ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर वो ज़बरदस्ती हमारे प्रिंसेस को पकड़ के यहाँ पर ले आती है और यहाँ आके हमारी प्रिंसेस देखती है कि एक लड़की ज़बरदस्ती प्रिंसेस के कैरेज में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये देख के तो हमारी प्रिंसेस काफ़ी गुस्सा हो जाती है और आके एक लात मार देती है। क्या बात है प्रिंसेस, तुम तो एक के ऊपर एक कमाल कर रही हो। लात खाने के बाद ये छोटी लड़की तो हमारी प्रिंसेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और गुस्सा दिखाने लगती है। इस तरह के बिहेवियर के लिए उन दोनों को ही पीछे से एक मुक्का मिलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और माइक पे अनाउंसमेंट होता है कि प्रिंसेस एमिला अब महल पे घुस रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम में अभी भी हमारी टैली थी और हमारी टैली बेचारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हमें पता चलेगा कि हमारी टैली राजा रानी के सामने जाके ठीक तरह से एक्टिंग कर पाती है या नहीं, या फिर हमारे राजा और रानी टैली को पकड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।